कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दाखिल किया, क्या कुछ विजन है कांग्रेस के और किस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतने? राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन का जो विजन है वो हम लोगों का विजन है। लोकल स्तर पर जो विजन है वो हम लोग चुनाव का मुद्दा बनाएंगे कि 10 साल से जो सांसद रहे हैं उन्होंने रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए क्या उपलब्धि हासिल की, मुख्य मुद्दा ये रहेगा। बाकी जो भाजपा ने छलावा किया है यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ, यहाँ जो भ्रष्टाचार पूरे देश में हुआ है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, ये सब मुद्दे रहेंगे। आप देखते चलिए चुनाव कैसा होगा। एक तरफ पे ईवीएम का आता है, हमेशा से कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि ईवीएम के माध्यम से बीजेपी चुनाव जीतती है, उसके आप क्या कहना है? देखिए मैं तो स्पष्ट कह चुका हूँ पहले से, 400 के यदि नारा है तो आज भी तय कर लो बैलेट पेपर से और फिर साबित कर लीजिए 400 पार। चलिए, अब आपने आज नामांकन दाखिल किया है, आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं लोकसभा रीवा से, तो किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रही हैं और क्या विजन है आपके आने वाले समय? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि भाजपा जो विकास की बातें करती है उसमें वो कहीं भी खरी नहीं उतरी। सबसे बड़ा तो यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा किसानों का मुद्दा है, क्योंकि किसानों को भी कहीं पर भी ना तो समर्थन मूल्य मिला है ना सम्मान निधि मिली है, सब कागजों में पूरे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बदहाल हमारे यहाँ के किसान हैं और हमारे युवा हैं जो कि नशे की तरफ जा रहे हैं और ना तो किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है ना भी किसी प्रकार की कोई उनके लिए योजना आ रही है कि वो कहीं भी काम पर लग सके। इसलिए हमारे यहाँ के जो युवा साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके हैं। तो 10 साल जो एक तरह से भाजपा के सांसद रहे हैं उनके द्वारा क्या विकास के कार्य नहीं कराए गए थे? कुछ भी नहीं कराए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में या रीवा में जहाँ भी हम जाते हैं तो हर लोगों का यही कहना है कि 10 वर्षों में सांसद जी को हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि कौन हमारे सांसद। ये हालात, जनता ने आपको मौका दिया, आप चुनाव जीतती हैं, तो सबसे पहले आपका क्या उद्देश्य रहेगा, तीन कामों को लेकर आप आगे आएंगे? अपने ज़िले के बहुत सारे काम हैं, क्योंकि किसी भी काम पर सांसद जी ने ध्यान नहीं दिया है, ना तो सदन में कभी कोई मुद्दा उठाया है। रीवा ज़िले की जो भी गंभीर समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे बेरोजगारी की हो या शिक्षा की हो, इन सब मुद्दों पे मेरा फोकस रहेगा।